हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ISL के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप ISL का फैन हो या फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का फैन हो या फिर FC गोवा की फैन हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं FC गोवा के बारे में। और इस टाइम पर अगर देखा जाए FC गोवा ने अपना जर्सी को लॉन्च कर दिया, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ऐसे में अगर देखा जाए भाई, इससे पहले जो था उससे थोड़ी सी अलग है, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक ठाक मुझे लग रहा है। तो आप देख पा रहे हैं पिक्चर में जो कि FC गोवा की ऑफिशियल टी शर्ट यानी कि जर्सी है। नेक्स्ट जो अपडेट आ जाता है वो है संदीप नंदी की ओर से। संदीप नंदी जो आगे जाके 2019-20 की बारे में पता नहीं, लेकिन आगे जाके वो गोलकीपर कोच करने वाला है, जो कि उनका एक नया चैप्टर होने वाला है उनका लाइफ की। तो देखते हैं आगे जाके क्या क्या हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अगर बात करें इस टाइम पे ISL में 3 ऐसे मेगा प्लेयर है जो कि आगे जाके काफ़ी अच्छा खेल दिखा सकता है ISL 2019-20 में। इन 3 प्लेयर के बारे में अगर बात करें, जो कि तीनों प्लेयर मुझे लगता है टॉप 3 में आता है, वही अगर बात करें ये जो तीनों मेगा प्लेयर बोला जाता है। सबसे पहला जो प्लेयर आ जाता है वो है मार्टिन प्लेस, जो कि उड़ीसा FC का प्लेयर है, तो काफ़ी अच्छा खेल दिखाएगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर है। सेकंड जो प्लेयर आ जाता है वो है रॉय कृष्णा, जो कि ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर है। और अगर बात करें ये जो प्लेयर ATK में खेलने वाला है, उम्मीद करते हो काफ़ी अच्छा खेल दिखाएगा। नेक्स्ट जो प्लेयर आ जाता है वो है असमोहा गायन, ये भी एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की प्लेयर है। तो इन तीनों प्लेयर के बारे में अगर बात करें, तीनों प्लेयर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर है और तीनों की फॉरेनर प्लेयर है, तो उम्मीद करते हो काफ़ी अच्छा खेल दिखाएगा। और अगर बात करें जो कि मुझे भी लगता है तीनों प्लेयर काफ़ी अच्छा खेल दिखा सकता है। नेक्स्ट जो अपडेट आ चुका है वो है AIFF की ओर से। और इस टाइम पे अगर देखा जाए ISL एक टॉप लीगों में से आ चुका है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसी के साथ साथ अगर बात करें उड़ीसा FC और भाई हैदराबाद FC के बारे में, दोनों की लोगो जो लॉन्च हो चुका है, दोनों की लोगो जो हमें देखने को मिला है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन इनमें से आपका फेवरेट लोगो यानी कि सबसे अच्छा कौन सी लोगो लगा, बताना एक बार कमेंट पे जरूर। तो फिर उसी के साथ साथ आपको बता दो, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इस टाइम पे आप अमेजोन से शॉपिंग कीजिए, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ऑफर चल रहा है। तो जाइए और शॉपिंग कीजिए अगर आप अमेजोन से या फिर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो बचत होने वाला है। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं और एक लेटेस्ट फ्रेश वीडियो में।